पूरा टूट गया है गाइस। अरे रे रे रुकते हैं। ओ माय गॉड, ये रुकते हैं। ओ माय गॉड, थोड़ा देर आगे क्या निकलेगी, फिर से जो है बारिश शुरू हो गई। देख सकते हैं गाइस पूरा, और मस्त अपना बाइक पार्क है गाइस इधर। सो हेलो एंड नमस्ते गाइस, कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे। सो मैं हूँ राजन और आप लोग देख रहे हैं राजन आई ब्लॉग्स। सो गाइस, सो आज जो है अभी जो है निकल रहे हैं हम काठमांडू के लिए, और काफ़ी जो है लेट हो चुका है। सो सुबह सुबह निकलने का प्लान था, और अभी जो है टाइम जो है 11 बज चुका है। कल जो है नेपाल साइकिल स्टोर में गए थे, वहाँ पे वो हब को खोलने के लिए, बट वो खुला नहीं। उसने बोला कि मिस्त्री जी ने, वो भैया जी ने बोला कि हम खुद ही रिपेयर कर देंगे उसको। तो अभी जो है गाइस सीधे निकलते हैं, और हम दो बाइक से जाने वाले थे बट एक बाइक जो है कैंसिल हो गया। अब मैं और सुमित जो है एक ही बाइक से जा रहे हैं, तो निकलते हैं गाइस। तो देख सकते इधर पूरा मस्त अपना सेटअप रेडी है गाइस, बाइक भी पूरा रेडी है, देख सकते हैं ना। तो चलते हैं गाइस सीधे, काफ़ी लेट हो गया है और गर्मी भी लग रहा है। तो गाइस घर से निकल के, और अभी जो है टाइम हो रहा है 11:20, और अभी जो है सबसे पहले जो रिफ्यूलिंग करवाना पड़ेगा इसको, उसके बाद जो है सीधे अपन निकल पड़ेंगे। तो ये यहाँ पे जो है मस्त रिफ्यूलिंग करेंगे गाइस, मस्त रखते हैं गाइस पेट्रोल, देखते कितना आता है इसमें। सो गाइस पेट्रोल रखते ही जो भाई साहब बाइक का जो है वेट बढ़ जाता है पूरा। सो अभी जो है गाइस टाइम, मतलब हम कह सकते हैं 11:30 हो चुका है, और अभी तक हम लोग जो है जनकपुर में ही हैं। तो ये रहा गाइस अपना जनकपुर का शहीद गेट, और साइड में भाट भटेनी। सो 250 किलोमीटर है, और अभी टाइम हो रहा है 11:30, और देखते हैं कि कितने बजे तक हम पहुंच पाते हैं वहाँ। और रास्ते में रुक के जो फोटो शूट वगैरह भी करेंगे, थोड़ा रील्स वील शूट करेंगे। नोटा विच नोट करे या टक्की कटिया अर्ध देव पे, और हमको गाना गाना नहीं आता। माय गॉड, सो चेक आउट द व्यू गाइस, चेक आउट द व्यू। और ऐसा लगा कि भैया जी पानी भी थोड़ा थोड़ा पड़ा हमारे चेहरे पे। तो जितना जल्दी हो सके गाइस हम आगे की साइड चले जाते हैं, कि भाई छुपने के लिए जगह मिल जाए। और यहाँ पे तो थोड़ा सा 2-4 बूंद जो है गाइस शुरू हो गया है। ओहो भाई साहब, पानी पड़ना शुरू हो गया गाइस, तो भागना पड़ेगा मेरी जान। तो बर्दी बात से निकले ही, सो गाइस देख सकते हैं सूर्य में जो है पहुंच के बारिश हो गया भाई साहब। इधर पूरा मस्त बाइक पार्किंग में है चारों ओर, और ये अपना भी बाइक जो है हमने जो है छोटा सा इस घर में जो है लेकर के आ गए हैं भाई। समस्या हो गया गाइस, तो देखते हैं कितना देने पूरा बारिश जो है डाउन होता है। और अभी अभी तो बारिश का सीज़न जो है चल ही रहा है, तो भाई सुबह से निकले हम तो पहुंच जाते हैं ना। तो ये गलती हम लोगों का, ये गाइस किसी का दोस्त नहीं लगाएंगे हम लोग। तो देखते हैं कितना देर में वो बारिश ख़त्म होता है, उसके बाद निकल पड़ेंगे। देखते हैं भाई साहब, बारिश हो गया, हम बोल रहे थे आगे से कि बारिश होगा, और हो ही गया। और देख सकते हैं यहाँ पर बारिश हुआ है, और वहाँ पर भाई साहब पूरा रोड सूखा पड़ा है गाइस। ये लो गया, बारिश गायब भाई, ठाव निसार से जो है बारिश हो रहा है। तो इधर गाइस देख सकते हैं मौसम चेंज हो गया है, अभी बारिश है। अभी हम लोग एंटार्क्टिका से जो है गाइस पूरे रेगिस्तान में आ चुके हैं गाइस, देख सकते हैं पूरा। और ये तो फिक्स है कि आगे जाके हम लोगों को फिर से जो है बारिश का सामना करना पड़ेगा। तो कोई ना गाइस चलते हैं, और ये बीआर वाले को जो है देखते हैं थोड़ा। वॉकिंग अ से रुक गया, तो ये तो सो साइकिल राइड करने के लिए जो है गाइस तराई में जो है जनकपुर में तो है, मतलब अप डाउन हिल है ही नहीं। सो बस जो है पूरा जो है प्लेन रोड है, प्लेन सरफेस है पूरा। तो बस क्या ही कर सकते हैं, व्हीली मार सकते हैं, स्टॉपी मार सकते हैं, ऐसा ही कुछ। प्रॉपर ऑफ रोडिंग जो है वो जो है नहीं हो पा रहा है हम लोगों को। और जो है छोटा वाला साइकिल लेकर के आया था सेकेंड हैंड राजकुमार के ही से।
सो उसमें जो है हम आप लोगों को बताया भी था कि उसमें जो है प्रॉब्लम आ गया है। सो प्रॉब्लम यह है कि उसका ड्यूरेलर जो है पूरा जो है ख़राब हो चुका है। सो हम एक ड्यूरेलर लेंगे और सो राजकुमार की दुकान में जा करके देखेंगे कि क्या लेना है क्या नहीं। सो आज तो है जाते जाते जो है शाम ही हो जाएगा बिकॉज कॉजेज ऑफ रेन। सो देख सकते हैं आगे भी जो है बारिश हो रहा है और मतलब कल जो है बैंक भी जाना है और राजकुमार के दुकान में भी जाना है। सो कोई ना गाइस, वो चलते अभी आराम से रुकते जाएंगे भाई साहब तो मस्त आराम से जो है चले जाएंगे। सो हम लोगों ने गाइस गलती किया एक, भाई साहब रेनकोट नहीं लेकर के आए और ये देखो भाई हम लोग आ गए पूरा पानी का चपेट में। और हम सुमित को बोला कि रुक जाते हैं तो नहीं भैया ले चले। मित्रिय जा ही देवे तो थोड़ा देर आगे क्या निकलेगी फिर से जो है बारिश शुरू हो गई। देख सकते हैं गाइस पूरा और मस्त अपना बाइक पार्क है गाइस इधर। तो फिर से जो है गाइस पानी पड़ रहा था भैया जी, हम लोग रुके थे उधर और क्या करें इंद्र देवता हम लोगों का तो पीछे पड़ गया है। तो थोड़ा कृपा दिखाइए प्रभु, हम लोगों को जाने दीजिए। और यहाँ से जो है गाइस पूरा जो है भाई साहब ठंड लग रहा है। तुम बिन सुमित तुमको याद है तुम एक बार बोले थे यहीं पे कि बहुत ज्यादा स्पीड हो गया है, है? आयो 90 चल रही है। तुम बिन ये दिल बांधदा ऐसे हो के सभी लगता है इंद्र देवता जो है प्रसन्न हो गया, पानी का जो है हम लोगों पे प्रकोप नहीं किया। गाइस अभी बचे हुए हैं हम लोग मुलकोट 15 किलोमीटर। सो अगला टारगेट है अपना गाइस मुलकोट। और भाई साहब इधर का है भाई पूरा फैक्ट्री लगा है। सो इंद्रदेव जो है गाइस प्रकोप जो है अपना जो है हटा लिया तो सूर्य देव का प्रकोप आ चुका है गाइस। काफी गर्मी लग रहा है भैया। और भाई साहब सो आगे जो है गाइस चलते हैं रुकते हैं। ओ माय गॉड रुकते हैं। ओ माय गॉड भाई साहब भयंकर ते गाइस मिरर ही मिरर भाई साहब। सो यहाँ पे जो है थोड़ा रुकेंगे भाई साहब अपनी बाइक को जो है रेस्ट देंगे हम वो। ये चेक करो गाइस ये चेक करो। सो चलते हैं गाइस साइड में लेते हैं बाइक को, थोड़ा सा फोटो शूट वगैरह करेंगे। फाइनली गाइस अभी जो है अपन सेती देवी मंदिर जो है पहुंच चुके हैं और अपना दोस्त जो है सुमित वो गया है भाई साहब पानी पीने गया है थोड़ा सा उधर। वो देख सकते हो जा रहा है वो, है ना? ठंडा है कि गर्म है? ठंडा पानी है भाई। गाइस मस्त मंदिर में जा करके भाई साहब पूरा टीका वीका लगा कर लगा लिए और अभी जो है गाइस बारिश का संभावना जो है सो अभी जो है निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। और ये देख सकते हैं गाइस हमारा दोस्त भाई साहब सूखा सूखा है। गाइस क्या हुआ भाई तुम सूखे सूखे क्यों हो? तो चलते हैं गाइस सीधे अभी अपन। सो गाइस इधर एक्सीडेंट हो गया भाई साहब, बुलेट का तो भाई कुछ कर कचरा उड़ गया। वो भयंकर एक्सीडेंट हुआ है गाइस। पूरा ठुक गया है गाइस। हाँ पूरा टूट गया है गाइस। ये
भयंकर ठुका है भाई साहब, भयंकर। तो ये जो है गाइस देख रहे हैं आगे, यही बुलेट है गाइस, यही बुलेट ठुका हुआ है भाई साहब। अरे भाई बुलेट का हालत चेक करो गाइस, पूरा जो है रिम वगैरह पूरा टेढ़ा हो चुका है इधर का, है ना। पूरा मुख भाई साहब खून आ रहा है भाई साहब, क्या नजारा है गाइस देख सकते हो भाई साहब। तो अभी हम इस जगह का नाम हमको मालूम नहीं है गाइस, बट लगभग आधा घंटा के अंदर में जो है हम रूम पे पहुंच जाएंगे। और हमारा प्रिंस दोस्त जो है वो पहुंच चुका है गाइस, वो हाई से गया, वो सुबह सुबह ही निकला। और हम लोग जो है 12 बजे जो है से मतलब हम ज़्यादा रोड पे हम लोग रुक के जो है फ़ोटो शूट वगैरह किया, वीडियो वगैरह बनाए, तो हम लोगों को थोड़ा सा लेट हो गया। सो फाइनली गाइस, सो भाई साहब पूरे धूल धुआं खा करके जो है भाई कीचड़ का सामना करते हुए सूर्य विनायक जो है पहुंच गए। और यहां से लगभग आधा घंटा लगेगा ना भाई जाने में, 15 मिनट। सो यहां से जो है गाइस लगभग 20 मिनट में जो अपन पहुंच जाएंगे। भाई साहब जाम था पीछे, कुछ ज़्यादा ही जाम था। क्रॉस फायर भाई, स्पीड लिमिट लगा है 40, तो चलना पड़ेगा, नहीं तो भाई स्पीड लिमिट में पड़ेंगे तो पूरा जो है मामा जी जो है चीट का जो है भाई साहब हाथ में रख देगा। तो अपन आराम से चलते हैं गाइस।